बॉलीवुड को लेकर एक कहावत है कि यहाँ हर शुक्रवार को फिल्म की रिलीज के साथ ही किसी न किसी का सितारा चमकता है और किसी का अस्त हो जाता है। आज हम आपको कुछ ऐसे स्टार्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी पहली ही फिल्म से रातों रात हिट हो गए थे। हालांकि बावजूद इसके ये स्टार्स बॉलीवुड में अपनी जगह बना पाने में कामयाब नहीं हो सके और गुमनामी के समंदर में कहीं खोसे गए। इस लिस्ट में पहला नाम आता है एक्टर राहुल रॉय का, जो फिल्म आशिकी में नजर आए थे। ये फिल्म सुपरहिट थी, लेकिन बावजूद इसके राहुल का करियर बॉलीवुड में हिचकोले ही खाता रहा। समय के साथ राहुल फिल्मों से दूर चले गए। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है फिल्म लव स्टोरी से रातों रात सुपरस्टार बने एक्टर कुमार गौरव का। जुबली स्टार के नाम से फेमस राजेंद्र कुमार के बेटे हैं। कुमार गौरव को वन फिल्म वंडर भी कहा जाता है, क्योंकि फिल्म लव स्टोरी के बाद उनकी एक भी फिल्म नहीं चली। इसका नतीजा ये हुआ कि कुमार धीरे धीरे फिल्मों से बाहर हो गए। फिलहाल गौरव अब खुद कार ट्रैवल बिजनेस संभालते हैं। वहीं अब अगला नंबर आता है एक्ट्रेस सांवली सिन्हा का, जो फिल्म तुम बिन की रिलीज के बाद रातों रात सुपरस्टार बन गई थी। हालांकि सांवली का करियर भी बॉलीवुड में कुछ खास नहीं चला, तो सांवली अब अपने पति के बिजनेस में हाथ बटा रही हैं। और अब इस लिस्ट में एक और एक्टर का नाम शुमार है, जो फिल्म पापा कहते से चर्चाओं में आई थी। हम बात कर रहे हैं मयूरी कांगो की, जिन्हें बॉलीवुड में कुछ खास सफलता हाथ नहीं लगी थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मयूरी प्राइवेट कंपनी में बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही हैं। वह गूगल कंपनी में भी काम कर चुकी हैं। तो ये थे गुमनाम सितारे जो समय से पहले बॉलीवुड को विदा कह गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।